कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो एक और न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। रेडीज ये वाला वीडियो आपको बहुत हेल्प होगा अगर आप एक क्वालिटी मसल बिल्डिंग की ओर जा रहे हो। क्वालिटी मसल बिल्डिंग रीजन कि बहुत सारे लोग जिम से आते हैं। आप भी जिम जाते हो ऐसे? बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो उतना अच्छा मसल बिल्ड नहीं कर पाते और डीमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। और उधर ही कुछ बंदा अच्छा खासा मसल बिल्ड करके बहुत अच्छी बॉडी बना लेते हैं। उनमें डिफरेंस क्या है? इंसान वो भी है, ये भी है, तो क्या डिफरेंसेस है, क्या है, हम पूरा इसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारा बॉडी, सबको पता है कि मसल्स कैसे, मतलब ग्रो होने का क्या क्या चाहिए। पहला आपको अच्छा ट्रेनिंग, दूसरा आपका अच्छा न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन दैट इज कि आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। बट थिंग इज कि ये सब सब लोग ट्राई करते हैं बट ये सारे में कंफ्यूज कि आपका ट्रेनिंग कैसा रहना चाहिए, आपका डाइट कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। रेस्ट तो चलो आपको तो चाहिए ही चाहिए बट ये जो चीज़ों अपने अकॉर्डिंग गोल के हिसाब से लोग सेट नहीं कर पाते और जो मैक्सिमम मसल बिल्डिंग पोटेंशियल है वो निकाल नहीं पाते। तो इसका मेन रीज़न क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आपके एरिया में सबसे अच्छा फ्यूल स्टेशन में आप चले जाओ, पेट्रोल पंप, अच्छा जहाँ पे अच्छा खासा पेट्रोल मिलता है। अगर आपका बाइक ही सही नहीं है तो आप कितना भी अच्छा पेट्रोल डलवा दो चलेगा ही नहीं। तो पहले आपको बाइक को ठीक करना पड़ेगा, देन आप पेट्रोल की ओर सोचोगे। तो लाइक ऐसा ही, आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, कितना भी अच्छे डाइटिशियन से बात करके आपका डाइट वो बना के दे दे, अगर आपका इंटेंसिटी सॉरी आपका वर्कआउट सही नहीं जाएगा देन आप कैसे वो चीज में ग्रो कर सकते हो। सो द पॉइंट इज कि आप अपने उस बाइक को पहले ठीक करो, देन आप एक अच्छा पेट्रोल पंप पे अगर जाओगे देन आपका वो बाइक का परफॉर्मेंस भी एनहांस होगा और आपका बाइक अच्छी खासी चलेगी। तो लाइक वर्कआउट अगर आपका बहुत सही है, देन आप अच्छी डाइट ले रहे हो और अच्छा रेस्ट ले रहे हो, देन फिर तो सोने पे सुहागा। तो पहले उस वर्कआउट को ठीक करना है कि आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या है, आप कैसे वर्कआउट कर रहे हो, आपके मसल्स कैसे ग्रो होते थ्रू वर्कआउट, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले मसल्स कैसे ग्रो होता है, सबके पास आइडिया है कि हम जिम जाते हैं, हम जिम में मसल को ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, फिर घर आते हैं अच्छा खासा न्यूट्रिशन देते हैं, फिर अच्छा रेस्ट लेते हैं, फिर मसल का रिकवरी प्रोसेस शुरू होता है, देन एक अच्छा खासा रिग्रोथ जब होता है देन मसल हमारा नया टिश्यू बनाता है। बट यहाँ पे एक छोटा ट्विस्ट है, दैट इज कि जब आप ये चीज मान लेते हो कि माँ हम आज वर्कआउट करके आए और आज पूरा तगड़ा वर्कआउट गया, आज कल मेरा मसल ग्रो करेगा, बट ये हर टाइम नहीं होता ऐसे कि हर अगर ऐसा होता तो बंदे आज शायद ट्रक उठा के घूम रहे होते। अगर हर दिन आपका हर वर्कआउट के बाद मसल ग्रो होगा, नहीं, मसल एक एडप्टिव मैकेनिज्म में काम करता है। दैट इज कि आपका मसल का जो एडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी है, इतना एडप्ट कर सकता है, इतना लोड वो झेल सकता है, जब इसके मतलब जहाँ जब तक आप उसी वेट पे जा रहे हो ना, आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा। रीजन क्योंकि मसल के पास कुछ रीजन ही नहीं है कि वो क्यों अपना कैपेसिटी को एनहांस करे। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको सेम टास्क दे रहे हैं, आप क्यों ज्यादा दिमाग खटाओगे? आपको पता है ये काम ऐसे ही होता है, आप खत्म कर लोगे। जब वर्कलोड ज्यादा आएगा फिर आप अपना दिमाग लगाओगे कि इसको कैसे जल्दी जल्दी खत्म करना है, फिर आपका दिमाग चलता है। लाइक मसल का भी वैसा, जब आप उसको थोड़ा ज्यादा वर्कलोड देते हो देन आपका वो मसल उसका एडेप्टेबिलिटी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, देन आपका ज्यादा मसल ग्रो होने का मतलब एक रीजन बनता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एक प्रिंसिपल है, तो हमें हर कोई वो प्रिंसिपल को सुना भी है, फॉलो भी कर रहा है, बट कोई कोई होता है सही तरीके से नहीं कर पाते, दैट इज की प्रोग्रेसिव ओवरलोड।
जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ओर जाते हो, इस टॉपिक पे बात आता है, तो उसका पहला पॉइंट ये आता है लोग कि हमको जिम में प्रोग्रेस करना है, कि अगर मैं 20 kg डंबल प्रेस कर रहा हूँ, मेरे को 25 करना है, मेरे को 30 करना है, 35 करना है, ऐसा। वो सही है, बट तुम आज 20 करो, कल 25 करोगे कैसे? वो जो बीच वाला पार्ट, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। सो हम आज इसके ऊपर ही बात करेंगे कि हम कैसे प्रॉपरली प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ओर जा सकते हैं। और मैं बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल तक ही बात कर सकता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंसेस है। अदरवाइज मैं एडवांस लिफ्टर जो भी, उनका तो बहुत हाई इंटेंस वर्कआउट रहता है, और उनके बारे में इतना आइडिया नहीं, मैं वहां तक पहुंचा नहीं अभी। तो हम बात करते हैं इसके ऊपर। पहला थिंग, जब भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात करते हो या फिर उसके ऊपर जाने का सोचते हो, या फिर मतलब आप बिगनर हो, आप अभी सोच रहे हो नहीं मेरे को अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ओर ध्यान देना है, तो आपको पहला थिंग क्या करना चाहिए बताए? दैट इज कि आप प्रोग्रेस को ट्रैक करो। विदाउट ट्रैकिंग आप कैसे प्रोग्रेस में आप होते हो? मतलब मान लो एक वर्कआउट का, दो दो तीन वर्कआउट सेशन का आपको याद रहता है, यहाँ चलो मैंने बेंच प्रेस इतने वेट में लगाया था, बारबेल रोइंग इतना वेट में लगाया था, स्क्वाट्स इतने वेट में, इतना रेप्स लगा रहा था, कुछ 3-4 सेशन का वर्कआउट याद रहेगा, बाकी तो भूल जाओ। तो बट वो जो 3-4 सेशन में ही नहीं है कि 3-4 सेशन में आप कुछ बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लियो, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो डे 1 से, तब आपके पास एक प्रूफ या फिर एविडेंस बोल सकते हो वो रहेगा। यहाँ मैं पहले इतने वेट में, और मतलब इतने वेट में बेंच प्रेस कर रहा था, इतना रेप्स के लिए, इतने सेट्स में, अभी मेरा मतलब रेपिटेशन बढ़ गया, भले ही वेट ना बढ़े बट रेपिटेशन बढ़ गया। फिर कुछ टाइम के बाद जब आपका रेपिटेशन बढ़ रहा है देख रहे हो, तो मतलब आप सोचोगे ठीक है मैं और 2.5 ऐड करता हूँ, फिर आप उसमें रेप्स बढ़ाते हो। अगर आपके पास ये प्रॉपर एविडेंस रहेगा ही नहीं, फिर आप कैसे ग्रो कर सकते हो? तो फर्स्ट थिंग कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना चालू करो। 2 मिनट लगेगा कि पेपर पेन ले लो, आओ वर्कआउट के बाद आओ आराम से घर बैठ के, खाना खाते खाते टाइम भी आप लिख सकते हो। 2 मिनट आज मैं चेस्ट का वर्कआउट किया, पहले इंक्लाइन बेंच प्रेस किया इतना गया, फिर मैंने फ्लाई दिया इतना गया, फिर मैंने केबल पे वर्कआउट किया इतना गया, फिर मैंने शोल्डर का, जो भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करते हो, जो भी आपका वर्कआउट, आप 2-5 मिनट लगा आप लिख लिए, वो 5 मिनट आपको 5 साल तक हेल्प करेगा। तो आप पहले अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। सेकेंड थिंग, दो वे में प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया जा सकता है। एक है वेट्स, आप वेट्स बढ़ा के जा सकते हो, जो कि एक सिंगल, और एक है आप डबल प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। तो पहले सिंगल पे बात करते हैं, क्योंकि वेट्स, आप मान लो 20 kg डंबल पे डंबल प्रेस दे रहे हो, 20 kg डंबल पे जब मतलब आप इस कोई कोई ऐसे प्रोग्रेस करते हैं कि 20 kg डंबल किए, फिर इसमें 8-10 रेपिटेशन गया, फिर आप वो धीरे धीरे 25-25 में स्विच होते हैं, फिर 27.5 में, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये होता है सिंगल। जब आप डबल करते हो, आपको दोनों चीजों में ध्यान देना है, एक है कि आपको वेट्स को भी बढ़ाना है, दूसरा आपका रेफरेंस। तो मैं ये डबल वाला प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, और मेरे एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट वे होता है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ओर, प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। वो क्या है? फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर वेट चुनता हूँ, मान लो मैं इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस किया, मैं एक वेट चुन लिया कि मेरे को 70 kg में 6 से 7 रेप, 6 मिनिमम 6 रेप निकालना। जब मैं उसको देखा कि अरे मेरा तो 7 रेप चला गया, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंपाउंड मोमेंट पे रेफरेंस भी फिक्स कर लेता हूँ कि मैं 6 से 10, 6 to 10 रेप में वर्कआउट करूँ। जब 6 to 10 में क्या होता है ना, मेरा ये जो इंक्लाइन बेंच प्रेस 70 kg में, तीनों सेट में जब तक 10 10 10 नहीं होता,
अब तक मैं उस वेट पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब वो प्रोग्रेस करने का मेरा प्रोग्रेसिव चलता है उस पे। जब तक मेरा उस वेट में मैं तीनों सेट में 10 10 10 अचीव कर लिया, फिर मैं एक और वेट ऐड करता हूँ 2.5, जो कि होता है 75, फिर मैं बढ़ता हूँ। डिफाइन करते हो कि प्रोग्रेस एक्चुअली सिर्फ वेट में नहीं, प्रोग्रेस आपका रेप में भी है। क्योंकि अगर मान लो आप 25 kg डंबल में 6 6 6 तीनों सेट किए, 6 6 6 का रेपिटेशन निकला, फिर आप कुछ 4 5 हफ्ता में आपका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा, आपका कुछ ऐसा हो गया 9 8 7, फिर जब आप कुछ हफ्ते किए, कुछ हफ्ते के बाद जब आपका तीनों सेट में 10 10 10 मिल गया, और फिर आप होते हो 27.5 को स्विच होते हो। इसमें स्टार्टिंग में ऐसा 6 6 6 मिलता है, देन आप स्विच होते हो, मतलब स्विच नहीं, मतलब फिर थोड़ा आप और ट्रेनिंग करते हो, फिर उस ट्रेनिंग सेशन के बाद आपका वो आ जाता है कि 27.5 में भी आप तीनों सेट में 10 10 10 रेप्स निकाले। तो ये बहुत इजी भी होता है प्रोग्रेस ट्रैक करना, और ये जो होता है, क्या होता है ना, आप मेंटली बोल सकते हैं गोल सेट हो जाता है कि चलो मेरे को आज इतना रेप्स निकालना है, और आप थोड़ा और अच्छा फील करते हो। जब ये होता है कि जब आप सिंगली, मतलब सिंगल करते हो, जैसा आज 20 kg में प्रेस कर रहा हूँ, अच्छा 10 10 रेप गया, नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। बट इधर क्या है, अगर चल चलो वेट नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, रेप्स तो बढ़ाऊंगा। जब रेप्स बढ़ जाता है क्यों, मतलब दैट मीन्स कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हो आपका मसल ग्रो हो रहा है। हो सकता है वो दिखता नहीं है, जब आपका 5 6 महीना हो जाएगा फिर आपका मसल्स ग्रो दिखेगा, क्योंकि मसल्स मतलब ग्रोथ का जो प्रोसेस है बहुत स्लो एंड ग्रेजुअली होता है, धीरे 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 ग्रो होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा फोकस रहना है कि मसल बिल्डिंग को पहले साइड में रख दो कि मसल ग्रोथ तो होगा अपने आप, मेरे को अभी क्या करना है इस पे फोकस, दैट इज कि मेरे को इस पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। तो उस प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ये जो मैं आपको टेक्निक बताया, आप ये फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ आपका मसल ग्रो होता ही होना ही होना है। बोलता हूँ कि जब से मैंने ये प्रिंसिपल को फॉलो करते आया और इसी टेक्निक पे फॉलो करते आया हूँ, मेरे को हेल्प होता है। क्योंकि मैं जब भी जिम में एंटर करता हूँ मेरे पास एक गोल रहता है, हर वर्कआउट में हर सेट में मेरा एक गोल रहता है कि मेरे को इतना रेप्स अचीव करना है। दैट इज द वे, जब आपके पास एक गोल होता है फिर आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है मेरे को उधर पहुंचना है, फिर आप जाओगे। अगर आपके पास गोल नहीं होगा कि ट्राई करूंगा, अगर जा सकता हूँ तो जाऊंगा, फिर जब थोड़ी बार जाते हो, छोड़ो आज तो जा नहीं पाए कोई बात नहीं कल जाऊंगा, तो ऐसा हो जाता है। बट जब आप गोल सेट कर गया तो मेरे को इधर तो पहुंचना ही पहुंचना है, वरना मैं आज का सेशन मेरा खराब जाएगा। फिर ये माइंडसेट जब आपका चेंज हो जाता है फिर आप ऑब्वियसली वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ओर जाओगे। सो आई होप कि आप क्लियर हो गए कि कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। सो ये चीज जरूर ट्राई करना, और कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि ये चीज आपको हेल्प हुआ कि नहीं एक्चुअली। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक